मराठी स्टाइल चिकन रसा। आज हम बना रहे मराठी स्टाइल चिकन रसा। खोपरा लिया है, आधा का भी आधा लिया है मैंने यहाँ पे। ऐसे अच्छे तरह मिक्स कर लेना है। लिया था इसे मैंने, लगभग हो गया है तो मैं अभी डालेंगे प्याज। मैंने सिर्फ एक फ्लेवरिंग के लिए डाला है, आप चाहे तुअर या चना जो भी है। ये चावल से भी अच्छे तरह रोस्ट कर लेंगे। मिक्सचर को ब्लेंड करेंगे मिक्सी में। सूखा खोपरा को हमने ड्राई रोस्ट किया था। ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए, नहीं डाल देना। खोल के बीच में आया है, अभी हम देखते हैं। अब देख, हमारा मराठी स्टाइल चिकन रसा रेडी हो गया है। सब लोग ट्राई करके देखना। आज हम बना रहे मराठी स्टाइल चिकन रसा। तो उसका जो वाटन बनता है उसका मैं इंग्रेडिएंट्स बताता हूँ आपको। मैंने यहाँ पे एक बड़ा प्याज दिया है। मैं यहाँ पे 500 ग्राम चिकन यूज़ कर रहा हूँ, तो एक बड़ा प्याज, उसमें आधा जूलियन कट किया है और बाकी चॉप, और थोड़ा यहाँ पे मद्रास ऑनियन लिया है मैंने। उसी के साथ में दाल, चना या तुअर जो भी है, एक टेबल स्पून, एक टेबल स्पून राइस को भी। ये वाटन बनाने के लिए धनिया फ्रेश, खोपरा लिया है, आधा का भी आधा लिया है मैंने यहाँ पे, क्योंकि चिकन 500 ग्राम ही है। उसके बाद एक मिर्ची, मिर्ची आप ज़्यादा डाल सकते हैं अगर स्पाइसी बनाना है तो। अदरक, एक दो इंच का अदरक लिया है, चॉप किया है, और गार्लिक थोड़ा ज़्यादा लिया है इधर, अदरक से ज़्यादा ही लेना है। तो अभी इसका वाटन बनाते। सबसे पहले हमें चिकन को मैरिनेट करना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्दी डाला है, थोड़ा सा नमक, ऐसे अच्छे तरह मिक्स कर लेना है। जब तक हम वाटन बनाते हैं तब तक इसे मैरिनेट होने रखना है। मैंने यहाँ पे सिर्फ 500 ग्राम चिकन लिया है। अभी हम इसे साइड में रख के वाटन बनाएंगे। सबसे पहले वाटन के लिए कोकोनट को ड्राई रोस्ट करेंगे हम। जो ड्राई कोकोनट लिया था इसे मैंने पीस दिया इस तरह। इसे हल्का सा ब्राउन होने तक ड्राई रोस्ट करना है। आप कोकोनट को डायरेक्टली फ्लेम में रख के भी जला सकते हैं, रोस्ट कर सकते हैं। उसी तरह प्याज को भी कर सकते हैं, तो उसका फ्लेवर जो है अलग आता है। मैंने यहाँ पे ये टेक्निक यूज़ किया है पैन में। ध्यान रहे जल ना जाए, ज़्यादा लो फ्लेम में इसे रोस्ट करना है। ये सूखा खोपरा रोस्ट करते टाइम तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी तेल रहता है। एकदम लो फ्लेम में इसे रोस्ट करना है। आप देख सकते हैं कलर चेंज हो रहा है। जैसे ही इसका कलर पूरा ब्राउन हो जाएगा हम इसे शिफ्ट कर देंगे। इसे हिलाते ही रहना है। यहाँ पे लगभग हो गया है तो मैं अभी गैस को जो है ऑफ कर दूंगा। आप देख सकते हैं अच्छे तरह ब्राउन हो गया है। अभी हम शिफ्ट करेंगे इसे। अब हम यही पैन में एक दो टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। अभी हम इसमें डालेंगे जूलियन प्याज। इसे हल्का सा लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये जूलियन जो है एक कटिंग का शेप है, ये लंबा जो कटिंग है उसे जूलियन कटिंग बोला जाता है। इसे भी हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई करना है। इसी के साथ में ब्राउन होने के बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, उसे भी फ्राई कर लेना है। इसी के साथ में डालेंगे मद्रास ऑनियन। ये मैंने सिर्फ एक फ्लेवरिंग के लिए डाला है, आप चाहे तो अवॉइड भी कर सकते हैं। ये मद्रास ऑनियन मेनली साउथ इंडियन डिशेस में यूज किया जाता है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन।
तब चीज़ को अच्छी तरह फ्राई कर लेना है। इसमें लहसुन जो है अदरक से थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, अभी हम इसमें डालेंगे दाल, तुअर या चना जो भी है, और उसी के साथ में डालेंगे चावल। इसे भी अच्छे तरह रोस्ट कर लेना है। ये दाल और राइस जो डालते हैं ये भी एक फ्लेवरिंग एजेंट ही है, जो ग्रेवी बनता है इसका अच्छे तरह फ्लेवरफुल हो जाता है। ये दाल और राइस का जो इंग्रेडिएंट है मैंने भी यूट्यूब से ही देखा है, मैं भी फर्स्ट टाइम बना रहा हूँ इसी के साथ में। इसमें हम हल्का सा नमक डाल देंगे, ये भी लगभग रोस्ट हो गया है और एक दो मिनट इसे फ्राई करेंगे। ये पूरा मस्त वाटन रेडी हो गया है, अभी हम इसे मिक्सी में ब्लेंड करेंगे। अभी हम ये मिक्सचर को ब्लेंड करेंगे मिक्सी में। थोड़ा ठंडा होने के बाद ही करना, बहुत ही गर्म रहेगा मसाला नहीं तो। इसी के साथ में डालेंगे जो सूखा खोपरा को हमने ड्राई रोस्ट किया था। और इसके साथ में थोड़ा सा धनिया, इसे अच्छे तरह पीसना है। बॉटम कुछ इस तरह ब्लेंड करना है हमें, ये कंसिस्टेंसी होना चाहिए। अभी हम चिकन को रोस्ट करेंगे, उसके लिए यहाँ पे 2 टेबलस्पून ऑयल, इसमें हम डालेंगे चॉप्ड ऑनियन, इसे हल्का सा फ्राई करना है। इसके साथ में हम डालेंगे मिर्ची, इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना है क्योंकि इसमें हमें चिकन भी डालना है। अभी हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा हल्दी, इसके बाद इसको अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे। इसके साथ में हम डालेंगे, हमने जो मैरिनेट करके रखा था चिकन उसे डालेंगे हम। इसे अच्छे तरह मिक्स कर लेंगे हम। इसे थोड़ी देर फ्राई करना है जब तक चिकन का जो पानी है पूरा ड्राई ना हो जाए। इसे बंद करके पकाना है थोड़ी देर के लिए। जिसे प्लेट रख देते हैं उसके ऊपर 1 कप पानी डाल देना, इसे बीच में एक बार चेक कर लेना। ये पानी जो गर्म होता है हम इसी का रसा के लिए यूज करेंगे। अभी हम खोल के देखेंगे इसे, अब देख सकते हैं चिकन का पानी पूरा सूख गया है। ये जो है पूरा तेल निकल रहा है। अभी हम इसमें जो वाटन बनाए थे हम वो डालेंगे, वो डाल के इसे रोस्ट करेंगे। अभी हम इसमें वाटन डालेंगे, इसे अच्छे तरह मिक्स कर लेना है।
मटन को भी थोड़ी देर फ्राई करना है पानी डालने के पहले। फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ा देना। फ्लेम से खोल के देखेंगे। खोल के बीच में ऐसे मिक्स कर लेना है, हिला के दे देना है थोड़ा सा। इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी जो हमने प्लेट के ऊपर रखा था, जो गर्म हो गया है। इसमें नारियल लेकर के नीचे पकड़ने का थोड़ा सा चांसेस है, इसके लिए मैंने पानी डाला है। थोड़ा और डालेंगे पानी। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा सा मसाला इसमें। आप चाहे तो बिना मसाला का यही वाटन में ग्रेवी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे हल्का सा मसाला डालने वाला हूँ, अपना जो नॉर्मल मसाला है, मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, चिकन मसाला रहेगा वो भी डाल सकते हैं आप। इसको फिर से हम बंद करेंगे और थोड़ा सा पानी फिर से डाल देंगे ताकि जो है गर्म हो जाए। अभी हम इसमें मसाला डालेंगे, हल्का सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला, ये ऑप्शनल है। नमक चेक करके डालना क्योंकि हमने दो तीन बार नमक इस्तेमाल किया है। अभी इसे अच्छे तरह ये मसाला को जो है मिक्स करना है। इसके साथ में हम डालेंगे पानी। थोड़ा और पानी डालेंगे इसमें। अब ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल सकते हैं। इस टाइम नमक चेक कर लेना, नमक कम है तो मैं नमक डाल रहा हूँ थोड़ा। अभी इसे फिर से बंद करके पकाना है एकदम लो फ्लेम में। फिर से थोड़ा पानी ऊपर। अभी इसे हम खोल के देखते हैं, लगभग 15 मिनट हो गया है। ग्रेवी में अच्छा सा उबाल भी आ गया है। चिकन को यही ग्रेवी में पकाना है अभी, जब तक रोगन जो है ऊपर ना आ जाए, तेल अलग जो होता है तब तक पकाना है इसे। नमक भी चेक कर लेना, मुझे नमक थोड़ा कम लग रहा है इसके लिए मैं थोड़ा सा नमक डाल रहा हूँ। इसे हमें फिर से बंद करके पकाना है और एक 15-20 मिनट में हो जाएगा। मैंने यहाँ पे और 20 मिनट इसे पकाया है। अभी हम देखते हैं, अब देख सकते हैं रोगन आ गया है, अच्छी तरह पक गया है चिकन।
अब देख सकते हैं रोगन भी ऊपर आ गया है, चिकन अच्छी तरह पक भी गया है। अभी हम इसे थोड़ा गार्निश करेंगे, इसके ऊपर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल डालेंगे हम, ये फ्लेवर एनहांसर है, इसका जो फ्लेवर है बहुत अच्छा हो जाता है। और हल्का सा डालना है, 1 टेबलस्पून। और ऊपर से धनिया, हमारा मराठी स्टाइल चिकन रसा रेडी हो गया है। सब लोग ट्राई करके देखना, रेसिपी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे देना। थैंक यू।